अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लिविंग माय ड्रीम। अच्छा, उसके साथ आमतौर पर क्या होता है कि लोगों ने अपनी वेकेशंस की तस्वीरें लगाई होती हैं, कोई उन्होंने नई गाड़ी खरीदी होती है, उनकी कोई प्रमोशन हुई होती है, उनको कोई अवार्ड मिला होता है। बेसिकली इट इज़ एक्चुअली अबाउट समथिंग दैट दे हैव अचीव्ड विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फेम और फॉर्च्यून। हम प्राइड इस चीज़ में लेते हैं जिसका ताल्लुक या तो शोहरत से हो या दौलत से हो। अब जिस चीज़ को हम कामयाबी समझ रहे हैं, जो हमें शोहरत देगी या जो हमें इज्जत देगी या जो हमें दौलत देगी, उस चीज़ को कितने लोग हासिल कर सकते हैं? कामयाबी का दारोमदार इस चीज़ पर है कि मेरा बहुत बड़ा बैंक अकाउंट हो। तो पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट है? लेस देन 10%। नाउ व्हेन यू से दैट सक्सेस इज बेस्ड ऑन fame and fortune, what are you telling to more than 90% people? Kabhi gaur kiya aapne? They can't be successful, they are losers. Mujhe ye bataiye ki ek maa jo ke 5 bachchon ko palti hai, middle class family se uska taluq hai, din raat mehnat karti hai, uske bachche jo hain pad lik jate hain, kya wo kamyaab nahi ho sakti? Ek mazdoor jo apne khoon paseene se mehnat karta hai aur apne bachchon ko palta hai, kya wo kamyaab nahi ho sakta? What kind of definition is this which has actually excluded majority of our population from being successful? Everybody wants to be successful. If the criteria is beyond them, then they will try to be successful by finding means jo ki hum ird gird dekh rahe hain. Log jaiz na jaiz ki behas mein nahi padte because everybody wants to be successful. So mera aapse ek sawal hai, zara sochiyega ki aapke khayal mein kamyabi ka क्राइटेरिया क्या है? क्या वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि आपने क्या हासिल किया, या वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, आपने दूसरों को क्या दिया? शुक्रिया।